নিশা সেবন মায়াজালে আজিকার যুবপিড়ি নিশা করুছি অনেক পর কলবল নিশা মুক্ত ভারতর সংকল্প ছতিশগড় রায়গররু দুই জন যুবক পুরা ইন্ডিয়া ট্যুরে বাহার সচেতনতার বার্তা নেই যে ভারত নিশা মুক্ত হব এগারো পরসেন সত্য অ দৃশ্য দেখেবে দুই জন যুবক আজ গঞ্জামে মে ন

बेसिकली मैं अमर पाटले हूँ और हम लोग रायगढ़ छत्तीसगढ़ से निकले हुए हैं और हम लोग का जो मैसेज है वो ड्रग्स फ्री इंडिया है जो जितने भी यूथ है इंडिया के और उड़ीसा के अभी हम गंजाम में हैं तो हम उन सबको मैसेज दे रहे हैं कि जो भी ड्रग्स के जो छोटे बच्चे जो ड्रग्स लेते हैं जो यूथ है जो ड्रग्स ले रहे हैं वो ना लें और हम लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि ड्रग्स फ्री इंडिया का हम बनाना चाहते हैं इसी अभियान से निकले हुए हैं ये देखो प्रथम सोपन पार्कि है ये टाइम लगेगा आपको ये लोगों ये जो युवा पीढ़ी को आप सचेतनता कर रही है मैसेज दे रहे हैं ये रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको रिस्पॉन्स तो अभी अच्छा मिल रहा है यूथ काफ़ी जुड़ रहे हैं हम लोग के साथ हम लोग जो है सोशल मीडिया से भी हम जुड़ते हैं अपना खुद का सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें भी शेयर करते हैं और लोगों से मिलते हैं और डायरेक्ट जहाँ पे बच्चे मिल जाते हैं उन उनसे भी मिलते हैं और मैसेज देते हैं ये काम करेगा आपका जो ये मैसेज लेकर सारा इंडिया घूम रहे आपको आशा रखें आप ये आगामी दिन में ये काम करेगा जी बिल्कुल आ, कोई भी शुरुआत में तो किसी ने किसी को आगे आना होता है पहल स्टार्ट करनी होती है तो उसी को आ, उसी जज्बे से हम लोग आगे निकले हैं और आगे धीरे धीरे ये परिवर्तन लाएगा हमारे जो मेहनत है आप जो सहित आलोचना करीब ये देखिए ये आप निकले हैं पूरा इंडिया टूर करेंगे तो ये प्रेरणा कहाँ से मिला आपको एक्चुअली प्रेरणा जो है हमें कई सारे इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ और इस जो मेरे साथ जो इंसिडेंट जो हुआ है वो हम नहीं चाहते कि किसी और के फैमिली में हो नशा से क्या होता है कि नशा से फैमिली में जो है खुशी जो रहती है वो तो नष्ट होती है साथ साथ जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो भी आने लगती है तो कई ऐसे इंसिडेंट जो मेरे गांव में मेरे फैमिली में जो हुआ है वो और किसी के साथ ना हो तो ये मैसेज हम लोग पूरे इंडिया में स्प्रेड कर रहे हैं और पूरे इंडिया को ये बताना चाह रहे हैं कि वो भी नशा ना करें ताकि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग पूरा भारत भ्रमण साइकिल से कर रहे हैं और साइकिल से करने का रीज़न ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पा रहे हैं साइकिल के माध्यम से और साइकिल के माध्यम से मिल रहे हैं और लोगों को यूथ लोग को छोटी छोटी गैदरिंग के माध्यम से छोटे स्कूल और जो कॉलेजेस हैं लाइब्रेरीज हैं उसके माध्यम से भी हम लोग यूथ को जागरूक कर रहे हैं

क्यान पर्सन सत्यको सहित विहान्को रिपोर्ट अर्गस न्युज